हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रेसिपी है मेरी गुलाब जामुन, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। और इससे पहले भी मैं गुलाब जामुन बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ MTR पाउडर से गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन का पाउडर आता है, इससे बहुत आसानी से घर पर ही गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं गुलाब जामुन पाउडर ले रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का गुलाब जामुन पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। इसके बाद पानी को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसको बिल्कुल आटे की तरह मत बनाइएगा, इसको सॉफ्ट डो बिल्कुल मिक्स करना है बस आपको इस तरह से। देखो मिक्स हो गया है, ये रेडी हो चुका है हमारा डो। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और अपनी चाशनी की ओर बढ़ते हैं, चाशनी बनाने की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा लीजिए, उसमें हम लेंगे जितनी भी हम चीनी लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में हमें पानी लेना है, बराबर क्वांटिटी में। तो मैं 2 ग्लास चीनी ले रही हूँ और 2 ग्लास पानी मिक्स करके चाशनी बनाऊँगी। हमारी चाशनी, अब इसको एक उबाल आने तक एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसको पकने देते हैं। अब ये इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप यूज़ करो, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप मत यूज़ करो। हमें पसंद है तो हम यूज़ कर रहे हैं। अभी चाशनी को चलाते रहना है, खूब पकने देना है। जब हमारी चाशनी अच्छे से पक जाएगी, एक तार की चाशनी हो जाएगी, तो इस कुछ इस तरह दिखेगी। और ये देखिए, आप ईज़िली देख सकते हैं, आप एक तार देखिए अच्छे से बन रहा है। तो हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अभी हम चाशनी को अलग रख देंगे और हमें गुलाब जामुन की ओर बढ़ना है, गुलाब जामुन बनाना है। तो इस तरह से हमने जो डो तैयार किया था उसको 10 मिनट रखा था। अभी हम डो से छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने स्टार्ट करेंगे। और हाँ गाइस, ऑयल और घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसको हाथ में लगा के ही सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से ही बना सकते हो। तो मैं घी लगा रही हूँ हाथ में और फिर इस तरह से राउंड राउंड करते हुए हम गुलाब जामुन बनाएंगे। और गाइस, एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको गुलाब जामुन ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, आपको छोटे ही बनाने हैं, क्योंकि ये गुलाब जामुन जब आप फ्राई करोगे तो ये फूलते हैं। तो साइज़ का ध्यान रखें गाइस। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन के जिस कुछ इस तरह से बन रहे हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजीली बन जाएंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बस आप ऑयल ज़रूर लगा के रखें हथेली पे। सो गाइस, हमारे देखिए गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की ओर। तो फ्राई करने में जो ध्यान देने वाली बात वो है, ये है कि आप ऑयल जो है उसको ज़्यादा गर्म मत करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा ऑयल आपका, तो आप जैसे ही डालोगे वैसे ही तुरंत रेड हो जाएंगे और अंदर से नहीं पक पाएगा। तो ऑयल को आप मीडियम गैस पे ही, ज़्यादा गर्म मत कर रखिएगा, और हल्की ही आँच पर आप इसको फ्राई करिए ताकि ये अंदर से भी पक जाए। सो हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अभी हमें डालने हैं गुलाब जामुन को। ये देखिए हमारा ऑयल ज़्यादा गरम नहीं है, अगर ज़्यादा गरम होता तो तुरंत रेड हो जाता। तो इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन को डाल लेंगे। और इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे। सो हमारे गुलाब जामुन ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं घर में आपको गाइस, आप बना सकते हो और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। सो गाइस, हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं इनको चाशनी में डालने की ओर। सो अभी इन्हें चाशनी में डालेंगे, कुछ इस तरह से इनको चाशनी में डालेंगे।
और इनके ऊपर चाशनी की कोटिंग कर देंगे। जब गुलाब जामुन हम फ्राई कर लेते हैं तो इसको एक या दो मिनट के लिए रख देते हैं, तुरंत चाशनी में डिप नहीं करना है, एक दो मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इन्हें चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह से अभी गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए